अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 14 मरला हाउस फॉर सेल, 7-7 मरला का बेयर है। ये दोनों आप देख सकते हैं सेम एक जैसे बने हुए हैं। दोनों का फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे होंगे, खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। अगर हम बात करते हैं तो टोटल राख वर्क यहाँ पे किया गया फ्रंट एलिवेशन पे, कुछ विंडो का इस्तेमाल किया गया। पूरे 14 मरला पे 4 विंडो दी गई हैं। तो ये सामने नीचे आप गेट देख सकते हैं, स्ट्रीट व्यू खूबसूरत स्ट्रीट है। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ इसके हाउस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत मतलब वॉल डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे आप लॉन लगा सकते हैं नीचे, और आपको यहाँ पे जो इसका मेन गेट है सॉलिड गेट बने हुए हैं। और जो ही हम इंटर होते हैं कार पोर्च में, तो हमें कार पोर्च के लिए एक गाड़ी तो हम आसानी से यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। सामने यहाँ पर आपको डोर इंस्टॉल है, साथ ही विंडो दी गई है। ये डबल यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन डोर और इस साइड से ड्राइंग रूम की अगर बात करें तो ड्राइंग रूम में मतलब ऊपर खूबसूरत सीलिंग की गई है, एक विंडो दी गई है, यहाँ पे विंडो इंस्टॉल है। तो यहाँ पे साथ ही आपको ये डोर नज़र आ रहा है। इस साइड पर अगर मैं आता हूँ तो ये आपको मेन डोर के साथ यहाँ पे डबल यूनिट के लिए डोर दिया गया, और यहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको व्यू करवाता हूँ सबसे पहले इसका। वैसे टीवी लॉन्च दिखा देता हूँ, फिर बेडरूम दिखा देता हूँ। तो टीवी लॉन्च में आप देख सकते हैं ये सामने आपको मीडिया वॉल, खूबसूरत मीडिया वॉल बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया वॉल, ब्रांड न्यू ये घर है। ऊपर खूबसूरत सीलिंग दी गई है, और साथ यहाँ पे ये एक वेंटिलेशन के लिए स्टोर बना हुआ है, और डोर है, डोर में ग्लास और वुड का वर्क हुआ है। तो ये इस साइड से आप इसकी वॉल देख सकते हैं, सिंपल मतलब कलर यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सामने इसके बेडरूम में जो ही हम चलते हैं, बेडरूम में आपको सामने इंटर होते बिग साइज विंडो इंस्टॉल है। यहाँ पे वॉशरूम और इस साइड पर फुल हाइटेड कबर्ड्स इंस्टॉल की गई हैं। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में हम जाते हैं तो यहाँ पे एक कमोड इंस्टॉल है, ऊपर यहाँ पे विंडो एग्जास्ट फैन, और इस साइड पे मिरर, और मिरर के साथ नीचे वेंटी। टाइल की बात करें तो फुल हाइटेड टाइल वर्क किया गया है। इस बेडरूम से हम बाहर निकलते हैं, मैं अभी आपको ले चलता हूँ इसके सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आपको इसका सेकंड बेडरूम मिलता है। इस साइड पे ये इसका मेन डोर, डोर की बात करें तो अच्छे सॉलिड डोर बने हुए हैं। जो हम इसके सेकंड बेडरूम में इंटर होते हैं, इंटर होते ही सामने आपको वॉशरूम की बात करें तो काफ़ी स्पेस दी हुई है। यहाँ पे फुल हाइटेड कबर्ड्स इंस्टॉल की गई हैं, साथ ही एक विंडो दी गई है, और यहाँ पर आपको भी ले चलते हैं वॉशरूम में। वॉशरूम में जाते हैं तो सामने कमोड इंस्टॉल है, सामने ऊपर अच्छी टाइल वर्क किया गया। इस साइड पे अगर हम आते हैं तो मिरर रहा वेंटी। तो व्यूअर्स यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ इसके किचन की तरफ। ये सामने वाला जो आप व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, ये टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज के साथ ये वाला इसका किचन। किचन में जो ही हम इंटर होते हैं, सामने गैलरी में एक डोर दिया गया, ऊपर वाली वाइट कलर में केबन दी गई है, और नीचे इसके ग्रे कलर में। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे हुड इंस्टॉल है, बर्नर इंस्टॉल है, अच्छी केबन बनी हुई है। तो यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की तरफ यहाँ पे इसका मैं थोड़ा आपको दिखाता जाऊँ। ये राइट साइड पे जो आपको ये डोर नज़र आ रहा है, ये यहाँ से आप इसको डबल यूनिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसका डबल यूनिट का ये सेकंड डोर। तो यहाँ से मैं जो ही फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर की तरफ जाता हूँ, वॉल पे खूबसूरत एक लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, और ऊपर जो ही हम इंटर होते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, और खूबसूरत स्टील पाइप इस साइड से अगर हम देखते हैं तो ऊपर छत की तरफ स्टेयर जा रही है। तो जो ही हम इंटर होते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा व्यू करवा देता हूँ।
जो ही हम ऊपर आते हैं तो सेम डिजाइन इसी तरह नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले ये मैं आपको इसका ड्राइंग रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं विंडो इंस्टॉल है, बिग साइज विंडो है। तो इस विंडो के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक डोर इंस्टॉल किया गया, ये जो आप देख रहे हैं एक डोर है, बाकी सेम इसी तरह। सामने आपको यहाँ पे जो इसका वॉशरूम दिया गया है, इसे हम ये कह सकते हैं पाउडर रूम। ये सामने आपको यहाँ पे कमोड इंस्टॉल है, ऊपर ये शावर एरिया इसका। इस साइड पे हम आते हैं तो वेंटी और ग्लास, ऊपर मिरर और वेंटी। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, ये जो डोर आपको नजर आ रहा है ऊपर, ये बाहर स्टेयर्स टेरेस की तरफ, यहाँ पे सामने इसका, ये हम जो ही यूँ इंटर होते हैं तो ये बेडरूम में। सामने आपको एक इंटर होते ही वाशरूम, वाशरूम पहले दिखा देता हूँ। वाशरूम में इंटर होते हैं तो यहाँ पे कमोड इंस्टॉल है, इस साइड पे सेम वेंटी और मिरर, इस साइड पे विंडो। तो यहाँ पे आपको कबर्ड इंस्टॉल मिलती हैं, यहाँ पे एक साइड पे मतलब विंडो है और एक साइड पे फुल हाइटेड कबर्ड इंस्टॉल है। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं बेडरूम से, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका ऊपर खूबसूरत सीलिंग, और इस साइड का हम आते हैं तो खूबसूरत मीडिया वॉल। मीडिया वॉल की बात करें तो अच्छी वुड की बनी हुई है, नीचे केबल दी हुई है साइडों पे भी। सामने एक जो विंडो आपको नज़र आ रही है, ये वेंटिलेशन के लिए ऊपर स्पेस छोड़ी हुई है, और साइड पे ये किचन और इस साइड पे बेडरूम। बेडरूम में हम जो ही जाते हैं इंटर होते हैं तो यहाँ पे बिग साइज विंडो इंस्टॉल की गई है, इस साइड पे फुल हाइटेड कबर्ड्स इंस्टॉल है। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में हम आते हैं तो यहाँ पे एक कमोड इंस्टॉल किया गया है, इस साइड पे शावर एरिया, वेंटी और ऊपर मिरर, इस साइड पे खूबसूरत मतलब विंडो और ऊपर एग्जास्ट फैन, खूबसूरत डोर का इस्तेमाल किया गया सॉलिड वुड का इस्तेमाल करके। तो इस बेडरूम से हम बाहर निकलते हैं तो मैं आपको ये इसका सामने वाला लॉबी एरिया हम कह सकते हैं, तो इस साइड पे हम आ जाते हैं इसके किचन वाली साइड पे। तो किचन में जो ही इंटर होते हैं, सामने ऊपर वाइट कैबिनेट्स, नीचे ग्रे कलर में, सामने सिंक के ऊपर एक विंडो दी गई है और ऊपर एक एग्जास्ट फैन। यहाँ पे हुड इंस्टॉल है, बर्नर है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब नहीं है इंस्टॉल। तो यहाँ से मैं अभी आपको ले चलता हूँ इसके, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये टेरेस का एरिया, और जिस तरह ये पहले मैं आपको व्यू करा चुका हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अगर लाइट्स लॉक और लॉक हो जाता है तो ये यहाँ पे टेरेस। टेरेस की बात करें तो यहाँ पे मेरा ख्याल है टेरेस पे आप दो तीन चेयर आसानी से लगा सकते हैं। तो ये पेयर हाउस फॉर सेल है, जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। डिस्क्रिप्शन में आपको सब नंबर डिटेल पूरे हाउस की प्राइस की डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।